ये है स्कूल, ये बंगला में क्या नाम लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको जिसको आता है तो मुझे बताना। अंदर दरवाजे खुले हुए हैं, स्कूल में बच्चा कोई नहीं है लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं। अंदर बांग्लादेश का झंडा और डेस्क। अच्छा यार देखो ये भी अच्छी चीज़ है, इतना रिमोट विलेज है, ये भी अच्छी चीज़ है मेरे टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम बांग्लादेश, केमन आछे सबाई, आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। फ्रेंड्स मैं हूं मोहम्मद नईम। और मैं हूं मोहम्मद नुमान। और आज हम देखेंगे अहमद तहजीज जो कि इंडियन स्टूडेंट हैं, बांग्लादेश में स्टडी कर रहे हैं और हर रोज एक नया व्लॉग लेके आते हैं, नया वीडियो, एक अच्छा सा वीडियो बनाते हैं। उनका आज का ये वीडियो है टूर ऑफ बांग्लादेश, रिमोटेस्ट स्कूल एंड हॉस्पिटल। तो ऑन इंडियन बॉर्डर, मतलब इंडिया के बॉर्डर के आसपास ही जो बांग्लादेश के स्कूल और हॉस्पिटल हैं वो किस तरह के हैं, कैसे हैं, तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होने वाला है ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं कर लें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और साथ बने बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहें। तो करें स्टार्ट। ठीक है, वेलकम बैक। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, एक बांग्लादेश का विलेज है पद्दा रिवर के साइड पे, मतलब बिल्कुल रिमोट विलेज है और जो बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर पे है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे स्कूल्स वगैरह कैसे हैं। यहाँ का एक स्कूल है, काफी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग लगी है मेरे को, मैंने सोचा आपको ये चीज दिखानी चाहिए। और सबसे पहले देखो इस स्कूल की ना तीन बिल्डिंग्स हैं मेन, ऐसे मुझे अभी दिख रहा है, चार हैं यार, काफी बड़ा स्कूल है यार। अब आपको मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं पहले जो सबसे पुरानी बिल्डिंग मुझे दिख रही है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो ये स्कूल की बिल्डिंग है, और ये नहीं है स्कूल, क्या मे बी ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं है क्योंकि अंदर कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है, इसमें कुछ सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हर बिल्डिंग के ऊपर आपको सोलर सिस्टम दिखेगा। ये भी स्कूल है यार, देखो यहाँ पे लोगों ने अपनी जो फसल है वो सूखने को रखी हुई है। ये है स्कूल, ये बंगला में क्या नाम लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको जिसको आता है तो मुझे बताना। अंदर दरवाजे खुले हुए हैं, स्कूल में बच्चा कोई नहीं है लेकिन दरवाजे खुले हुए हैं। अंदर बांग्लादेश का झंडा और डेस्क। अच्छा यार देखो ये भी अच्छी चीज़ है, इतना रिमोट विलेज है, ये भी अच्छी चीज़ है। मेरे टाइम पे हमारे स्कूल्स में तो नीचे बैठते थे। और देखो यार लगता है अभी अभी कोई पढ़ के गया हुआ है क्योंकि सब कुछ ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ है। मिटा के देखते हैं, मिट भी रहा है कुछ नहीं। हाँ यार मिट रहा है। देखो अभी शेल्टर की जगह ना हमें बस यही स्कूल मिला हुआ है, थोड़ी सी एक तो छांव भी है और थोड़ा सा ठंडा भी है अंदर से। मैं अगर आपको दिखाऊं अपना बचपन का टाइम कैसा होता था, अगर बाहर से टीचर आ रहा है ऐसे आएगा टीचर, एक स्टिक हाथ में होती थी, ऐसे आते थे टीचर, ऐसे ऐसे आते थे, स्टिक हाथ में आती थी, बिल्कुल ऐसे होता था। अस्सलामु अलैकुम सर, रात सहे। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो ये चीज एक अपना पता क्या करो, मेरी वीडियो के नीचे एक रेड सा बटन होगा, कर लो सब्सक्राइब अहमद भाई का, क्या क्लिक कर दो, आपको भी सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं आ रही हैं तो ये है यार स्कूल। टीचर। अच्छा यार नहीं देखो रिमोट विलेज है, बहुत साइड पे है लेकिन बुरा नहीं है, अच्छा ही है। यहाँ पे भी अंदर वैसे चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, किसी टीचर का ऑफिस है क्या? बेड लगा हुआ यार अंदर, बेड भी लगा हुआ है, डेस्क भी है। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है, अभी नई भी बिल्डिंग है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यार ये जो है ना स्कूल काफ़ी अच्छी सी जगह पे है, पीसफुल लोकेशन है। और ये बोल रहे कि सिटी से जो भी लोग आते हैं इस स्कूल में आके वो पिकनिक वगैरह करते हैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वॉशरूम भी है इस स्कूल का, देखते हैं क्या हालत है वॉशरूम की। यार हाथ नहीं लगाते, चलो ठीक है आपने देख लिया। हाँ छोटू स्कूल जाओ तुम्हें, हाँ कौन आपने स्कूल कौन था ओटा, आप कौन कौन क्लास है पढ़ो? थ्री थे। ओ वाओ, और टीचर आसे टीचर आसे रोज क्लास है। अच्छा चलो ठीक है, बालो पढ़ा लिखा करो, लड़के गिरा प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे ना स्कूल के उस साइड पे इंडियन बॉर्डर भी दिखती है, मैं आपको इंडियन बॉर्डर दिखाता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम बांग्लादेश आ रहा था ना, मैंने इंटरनेट पे देखा
ये चीज है। मैं सोचूं यार आज है मैं क्या चीज है, कौन सी चीज है यार। मैं हैरान घर में बैठा हुआ और मैं सोच रहा था इंटरनेट पे राजशाही सिटी के फोटोज वगैरह देख रहा था ना, उसमें देख रहा हूँ यार मैं हैरान हो गया ये क्या चीज़ है। जब मैं वापस बांग्लादेश में आया तब जाके पता चला कि ये गोबर को वो किसी पेड़ के टहनी में पैक करके रखते हैं और उससे फिर आग जलाने का काम करते हैं जैसे हमारे उधर बनाते हैं। जो आपको एक एक छोटा सा बंदा वहाँ पे डॉट सा दिख रहा है वहाँ पे, बस वहाँ पे ये बॉर्डर, वो जो वायरिंग है ये वाली, ये इंडियन बॉर्डर है। अच्छा इंडियन बॉर्डर सही सीन है यार, यहाँ पे तो बच्चे हैं स्कूल में तो कोई है, क्लास चल से, क्लास चल से, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ो, अकाउंट ट्यूशन आसे की सब्जेक्ट पढ़ो, की सब्जेक्ट सब टाइम, चलो भालो आपनी टीचर। अच्छा चलो हमारे देश बारी भारत, भारत दिल्ली पंजाब, ठीक है चलो सर अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे टीचर आए हैं, ये इन बच्चों को पढ़ा रहे। मेन लोगों की ना एक ही कंप्लेंट है कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रोड वगैरह नहीं है। स्कूल की वो वाली जो बिल्डिंग थी वो पुरानी बिल्डिंग थी, ये वाली जो है ये नई बिल्डिंग है, इसको लॉक लगा हुआ है, अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे क्या कुछ है अंदर यार, बच्चों के खेलने के लिए चीजें यहाँ पे, नर्सरी के बच्चे अगर होंगे तो उन्हीं के लिए होगा। हाँ यार नहीं यार ये बिल्डिंग अच्छी है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे भी स्कूल की। और एक ये भी बिल्डिंग है, इसमें क्या है सीमेंट रखा हुआ है और डेस्क वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ ये कोई स्टोर रूम है कॉलेज का। इस बिल्डिंग के साथ ही वॉशरूम अटैच है और एक वॉशरूम यहाँ पे भी है वॉशरूम। चलो यार ये था बांग्लादेश का स्कूल जो मैंने सोचा ये कितने रिमोट विलेज पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अपनी बड़ी को देखने बड़ी, अच्छा बोलो अपनी एक स्कूल पढ़े ना हाँ वो हाई स्कूल आसे जो मैं पहली बिल्डिंग में गया वो हाई स्कूल है और ये बिल्डिंग हायर एटा की ये बिल्डिंग के ये प्राइमरी बिल्डिंग। भाई प्राइमरी वालों की अच्छी बिल्डिंग है, हायर वालों की थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है। अच्छी चीज़ है यार ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा स्कूल आज कल लगे अपना सप्ताह एक दिन क्यों दो दिन प्राइमरी, ओ हफ्ते में एक दो दिन लगता है स्कूल ऐसा। ये लड़का बोल रहा है मुझे तो पता नहीं है पूरा अपने बाड़ी एक है। चलो भाई भालो आज अपने मिड डे मील पान अपनी दिने खा डिनर खावा पान कॉलेज स्कूल थी के मिड डे मील वगैरह नहीं इनको मिलता है यहाँ पे। चलो भालो चलो अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हम आए थे मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, मैं थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे एक आंटी के घर बैठे थे, पानी वगैरह पिलाया, आंटी ने बिस्किट वगैरह खिलाए तो लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया क्योंकि सोलर सिस्टम का था कोई सीन पता नहीं, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो इन लोगों के मैंने ऐसे बातें करा था, काफ़ी सारे बातें की हैं मैंने इनके साथ, ये बागे से बोलते कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है स्कूल के, यहाँ पे रोड नहीं है उसकी वजह से टीचर्स भी नहीं आ पाते, हफ्ते में दो दो दिन आते हैं और उसके बाद डॉक्टर भी नहीं आता यहाँ पे। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन आता है कभी कभी और वो भी श्योर नहीं होता, ये चीज़ इन्होंने बोली। और मैं आपको स्कूल का टूर दे रहा था, ये वाला जो एरिया है ये स्कूल है, ये स्कूल का ग्राउंड है और ये यहाँ का हॉस्पिटल है, बंद ही पड़ा हुआ है, हफ्ते में एक दिन आता है डॉक्टर ऐसा इन्होंने बोला। और अंदर एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है, उसको तो बिल्कुल रस्ट लगी हुई है, बिल्कुल बंद ही पड़ा हुआ है। ये है हॉस्पिटल। और एक एक चीज़ अच्छी देखी यार मैंने यहाँ पे, ये सारे लड़के बोल रहे हैं कि हम सब की वैक्सीनेशन हो गई है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, इन मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे वैक्सीनेशन हो गई है। तो सारा मार्केट बंद है और अभी हम वापस जा रहे हैं वापस राजशाही सिटी में। बस ये जो एरिया है ना, ये जहाँ से अभी हम निकल के आए ये वाला एरिया ये है यहाँ की मार्केट, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये था एक बांग्लादेशी स्कूल का टूर जो इंडिया बॉर्डर के पास में है, काफ़ी रिमोट विलेज में है। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगर नहीं भी करना बाद में कर लेना कोई बात नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। असल में नमान भाई वो ना मतलब बैठ के गए ना कश्ती में, देखा आपने, मतलब काफी दूर, फिर भी बड़ी बात है कि मतलब इतनी दूर भी बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं। हालांकि हमारे इधर वो जो मिट्टी, आई थिंक ये डेजर्ट एरिया है, मिट्टी का एरिया है, वहां पे इस तरह का कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। अब जाके जो है आर्मी ने कुछ तवज्जो देना शुरू किया, तो अब जाके जो है ना वहां पे जो है एजुकेशन का सिस्टम बन रहा है। और ये बड़ी बात है, बांग्लादेश ने मतलब इंडिया के बॉर्डर के पास भी दरिया क्रॉस करके, मतलब कोई उसको सड़क का रास्ता नहीं है, और फिर भी वहां पे स्कूल बने हुए हैं, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन का सिस्टम है। मतलब स्कूल अगर कम खुलते हैं, मे बी के कोरोना की वजह से हो सकता है मे बी, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं पता। ये जो लोग बांग्लादेश से हमें देख रहे हैं, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शुस्त थाकुन, भालो थाकुन।